तो हाय गाइस नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पेनीवाइज की रियल स्टोरी। सुना ही होगा पेनीवाइज के बारे में, तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे ऑप्शंस जानेंगे पेनीवाइज के, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर वन, पेनीवाइज ट्रू स्टोरी। नंबर टू, पेनीवाइज जिंदा है। और नंबर थ्री, व्हाट इज पेनीवाइज। तो यही तीन ऑप्शन को आज जानेंगे, और यही जानकर आपका दिमाग ऐसा खराब होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके लिए हम चलते हैं अमेरिका में डेरी नामक शहर में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। पेनीवाइज रियल स्टोरी, मैंने गलती से ट्रू बोल दिया। 1972 में जॉन गैसी नाम का आदमी था, जो बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग चीज़ों से उन्हें अपने पास बुलाता था, और जब शिकार उनके पास आ जाता था तो वो उनका शिकार कर लेता था। इसीलिए स्टीफन किंग ने इसी सच्ची घटना पर एक इट नाम की नॉवल लिखी, और इट मूवी को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसका सेकंड चैप्टर भी बनाया गया। तो ये थी पेनीवाइज की रियल स्टोरी। तो अब जानते हैं पेनीवाइज जिंदा है या नहीं। नंबर दो, पेनीवाइज अलाइव। वैसे तो पेनीवाइज को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इट चैप्टर टू में बिल और उसके दोस्तों ने अपने डर पर काबू पाकर और पेनीवाइज की कमजोरी उसके डर को जानकर उसे हरा देते हैं। लेकिन कई स्टीफन किंग के आपने अलग अलग नॉवेल्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि पेनीवाइज अब तक जिंदा है। तो बात करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि 1958 में लूजर्स क्लब ने पेनीवाइज को नींद में सुला दिया था, और 1985 में उन्होंने पेनीवाइज को मार डाला था। और उसके बाद स्टीफन किंग ने टॉमी एडल्स नाम की एक नॉवेल लिखी, और इस मूवी में स्टीफन किंग ने एक जो क्लाउन को दर्शाया है। टॉमी को बहुत ही हेलुसिनेशंस हो रहे थे, तभी टॉमी को एक नदी ब्रिज के नीचे एक नदी में एक क्लाउन दिखा। उसने शर्ट पहना था और उसकी आंखें एकदम बिल्कुल पेनीवाइज जैसी थी, और जिसकी आंखें सिल्वर की तरह चमक रही थी। और ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पेनीवाइज जिंदा है। पेनीवाइज जिंदा है। तो अब हम इंसोमिया नामक नॉवेल की बात करेंगे, जिसकी स्क्रिप्ट डेरी टाउन की ही है। और इस इंसोमिया मूवी के मेन कैरेक्टर थे रल्फ, और रल्फ का मानना था कि उन्होंने तीन बड़ी बड़ी डेड लाइट्स को देखा है आसमान में चमकते हुए। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि रल्फ ने डेड लाइट्स को देखा है। डेड लाइट्स को देखा है। फिर अगला है ड्रीम कैचर। इसकी स्क्रिप्ट भी डेरी टाउन की ही है, और इसे सिर्फ और सिर्फ लूजर्स क्लब ने ही, मतलब स्टीफन किंग की है, लेकिन इसकी कहानी लूजर्स क्लब की है। और ये मूवी उन लोगों के लिए है जो 1985 में पेनीवाइज का शिकार हो चुके हैं। और उसमें एक मैसेज भी है जिसमें लिखा था, ये जो ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही लिखा था। तो अब बात करते हैं कि पेनीवाइज सच में जिंदा है। इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जब इट चैप्टर टू में लास्ट पेनीवाइज और लूजर्स क्लब के बीच लास्ट फाइट हुई थी, तो उसने एक जाइंट स्पाइडर का रूप लेकर सबको मारने के लिए आ गया, और वो अपने ही ट्रू फॉर्म में एक फीमेल था, जिसने
जिसके पेनीवाइज के पेट के अंदर अंडे थे और उसमें 100 से भी ज़्यादा अंडे थे। बेन एक एक करके सारे अंडों को फोड़ रहा था और अंधेरे ना होने के कारण वो नॉट श्योर कि उसने सारे अंडे फोड़ दिए हैं। इसीलिए रिची बेन से पूछता है कि उसने सारे अंडे फोड़ दिए, तो इसमें बेन का कहना था कि नहीं, इसमें आई डोंट नो कि मैंने सारे अंडे फोड़ा है, क्योंकि पेनीवाइज ने 100 से भी ऊपर अंडे दिए हैं, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि मैंने सारे अंडे फोड़े हैं, जस्ट लेकिन मैंने कुछ अंडे फोड़े हैं। अच्छा, इसके आगे बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसे जरा ध्यान से सुने। तो आपने मूवी में एक आदमी को देखा होगा, यहाँ पे स्क्रीन में देखिए कोई एक आदमी है, उसका नाम शायद ब्रिंज है या कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। याद आ गया, ब्रिंज है था, और उसने इट को नहीं, और उसमें लास्ट फाइट में पेनीवाइज को नहीं, उन्होंने ब्रिंजे को मार डाला, ना ही इट को। इसीलिए पेनीवाइज अपने रियल डायमेंशन, अपने जहाँ से आया है वहाँ पे अभी तक जिंदा है। आप पूछ सकते हैं कि पेनीवाइज अपने डायमेंशन में जिंदा है तो वो डेयरी में क्यों दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ कि पेनीवाइज ने जब लूजर्स क्लब का सामना किया था और ब्रिंजे ने अपने ही शरीर में आने के लिए उसने कहा राजी किया था, क्योंकि पेनीवाइज अपने दुश्मनों से इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और उन्हें डरा सकता है, लेकिन इट चैप्टर वन में कोई भी इल्यूजन्स नहीं दिखी, लेकिन हल्की थोड़ी थोड़ी सी इल्यूजन्स विजन्स दिखे थे, और उसने ब्रिंजे को मार डाला, ना ही इट को। ये तो आप समझ ही कहोगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। एक अंडा, बेन ने जो सारे अंडे फोड़े थे उसमें से एक अंडा बच गया, और उसी अंडे से पेनीवाइज जैसे ही एक और जीव प्रकट हो गई, बिल्कुल पेनीवाइज की तरह। तो उसके पास जो शेप शिफ्टिंग और मेमोरीज को मैनिपुलेट करने की पावर है, और उसने उसे पेनीवाइज की तरह ही तो वो पेनीवाइज की तरह नहीं है, वो एकदम शांत रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा न्यारा राज दुलारा पेनीवाइज अभी तक जिंदा है। तो ये थी पेनीवाइज के जिंदा होने की कुछ पॉइंट्स। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको पेनीवाइज क्या चीज़ है इसके बारे में जानने के लिए। तो नंबर 3 पर है पेनीवाइज क्या चीज़ है, तो चलिए जानते हैं। 8, ये मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी, और इस मूवी का सबसे मेन विलन कैरेक्टर एक जोकर जिसका नाम है पेनीवाइज। वो जोकर दिखने में इतना ज़्यादा डरावना है, और उसके पास इतनी सारी बुरी शक्तियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पेनीवाइज धरती पर जी, एक पॉइंट बताता हूँ। मूवी में जिस प्रकार पेनीवाइज को दिखाया गया है, आप सोचते होंगे कि वो कोई भूत या शैतान है, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक पेनीवाइज एक एलियन है जो दूसरे डायमेंशन डार्क स्टोन, मेरा मतलब माइक्रोवर्स से आया है। माइक्रोवर्स एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहाँ पर जीवन पृथ्वी से अलग है, और वहाँ पर अर्थ का कोई भी नियम वहाँ लागू नहीं होता, और वहाँ पे पेनीवाइज जैसे ही कई सारे जीव बड़ी तादाद में रहते हैं। पेनीवाइज बहुत ही पुराना क्रीचर है जो धरती पर आ गया था। पेनीवाइज माइक्रोवर्स, मेरा मतलब है कि वो एक एलियन है। सही सुना, मैंने पहले भी बताया कि वो एक एलियन है। एक एक्सप्लोजन होने की वजह से इस धरती पर आ गया था। पेनीवाइज को उसकी ताकत लोगों के डर से मिलती है।
पेनीवाइज उसी रूप में सामने आकर अपने शिकार को दिखता है जिसका शिकार उससे सबसे ज़्यादा डरता है। मतलब मैं अगर किसी भी चीज़ से डरता हूँ वो आकर मुझे उसी चीज़ से डराएगा। अब तो समझ जाओ। पेनीवाइज को ज़्यादातर बच्चों का शिकार करना पसंद है क्योंकि बच्चों को डराना काफ़ी आसान होता है। वो फ्रेंडली क्लाउन की तरह उससे दोस्ती करता है और जैसे ही बच्चे उसके पास आते हैं, समझ जाओ। एक पॉइंट और बता देता हूँ, डेयरी में जब भी कोई बच्चा गायब होता था तो वो लोगों को ऐसा प्रभावित कर देता था कि बच्चों के गायब होने से उनका ध्यान सबसे ज़्यादा उन पर जाता नहीं था और इसीलिए पेनीवाइज एक एलियन है। और एलियन होने के बावजूद भी उसके पास ऐसा पावर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस बाय, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपके आपसे अगले फाड़ू में दिए वीडियो में। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ये पांच चीज़ें करके जाना। बाय। और पेनीवाइज की रियल स्टोरी अलाइव और व्हाट ये सब कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, ये पांच चीज़ तो ज़रूर करके जाना। बाय, चलता हूँ।